फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस जिन भी लोगों को आज आरआरबी पैरामेडिकल के रिजल्ट आने का इंतजार था, आज उनका इंतजार है जो पूरा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि आरआरबी ने जो आंसर की है वो तो रिलीज़ की है, साथ में उसके जिन भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया हुआ था, इसका आंसर ये होना चाहिए था इस टाइप से, तो आप लोग उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 8 जुलाई तक ही एक्टिव रहेगी ये साइट, क्योंकि तो चलिए ये है जो स्टाफ नर्स का 20 जुलाई 2019 का दोपहर में जो 12:30 से 2 बजे तक की शिफ्ट थी उसका क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। एक मेरे फ्रेंड ने दिया हुआ पेपर था है, तो उसी से मुझे मिला है। चलिए मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो आने वाले टाइम में और एग्ज़ाम्स देते हैं वो स्टाफ नर्स के, उसके साथ साथ उनको भी पता चलेगा जिनके अदर शिफ्ट में पेपर हुए थे कि किस टाइप से पेपर आया हुआ था। चलिए मैं आपको बता दूं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि आपको और किस टाइप से क्वेश्चन चाहिए हो। मैं उनको भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड से जो फुलफिल कर सकूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द सिम्बल ऑफ द एलिमेंट ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का सिम्बल क्या है, तो वो बी आर। यहाँ पे एक चीज़ और, जिस भी कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम के टाइम पर आंसर को मार्क किया था वो ब्लू कलर से शो हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए, और जो करेक्ट आंसर है वो ग्रीन से शो होगा। जो ऑफिशियल साइट ने अनाउंस किया है कि जो आंसर उन्होंने सही बताया है कि वो ग्रीन कलर से शो होगा, जो कैंडिडेट ने सेलेक्ट किया है वो ब्लू कलर से, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी आर। नेक्स्ट इज द कॉर्ड दैट इज इंसर्टेड इन टू द मेम्ब्रेन सम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा इज नोन एज। तो ये किस टाइप की कॉर्ड कहलाती है, ए इंसर्शन कहलाता है, वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड थी उनने गलत आंसर इसमें लगाया हुआ है, तो उनका माइनस मार्किंग में नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द लीगल एज टू परफॉर्म मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया। तो भारत में लड़कियों को विवाह करने की कानूनी उम्र क्या है, 18 साल, 18 ईयर्स। नेक्स्ट इज एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इज मेनली कॉज्ड बाय, तो एंटेरोटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है मेनली, वो होती है स्टेफाइलोकोकस के द्वारा। करेक्ट आंसर इज बी, स्टेफाइलोकोकस। एक चीज़ आप याद रखिए, जो भी क्वेश्चंस हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जिनका DSSB में आने वाला एग्ज़ाम्स है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, बस पैटर्न बस चेंज हो जाता है एग्ज़ाम में आने का। तो आप लोग इस वीडियो पूरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मच आयरन इज अप्रॉक्सीमेटली रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने आयरन की जरूरत पड़ती है, 1000 mg, 1000 mg। एक चीज़ और गाइज, मैंने इसके पहले जो भी वीडियो डाले थे उनमें से मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो स्टाफ नर्स के पेपर होंगे उसमें 70% हैं जो चांसेस आने के रहेंगे। मैंने जो भी MCQs पब्लिश किए थे ऐसा ही हुआ है। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों की हेल्प हो सकी एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कोनल एट्रेसिया। तो कोनल एट्रेसिया क्या है, इट्स एन कंजनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स में होने वाली है कंजनाइटल ऑब्स्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 7th से है, यहाँ पे कुछ रीजनिंग से रिलेट करते हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अ ट्रेन पास अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 42 सेकेंड एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 29 मिनट पर सेकेंड, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी गई, लेंथ पूछी गई है मीटर में, तो वो है 464 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज़ द नर्स पेशेंट रेशियो फॉर टीचिंग हॉस्पिटल। में नर्स और पेशेंट का रेशियो कितना होता है, 1/5 मीन्स 1 नर्स और 5 पेशेंट प्रेजेंट रहते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सजेस्टेड द कंटिन्यूइंग एजुकेशन, निरंतर शिक्षा का क्या सुझाव दिया जाएगा। तो वो कोठारी कमीशन है, कोठारी कमीशन के द्वारा दी गई पॉइंट था सजेस्टिंग द कंटिन्यूइंग एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट फतेहपुर सीकरी इन सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ इस पर आंसर आएगा UP, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, वट आर एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटम्स एटोमिक नंबर। वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है, तो वे किस टाइप के कहलाते हैं, आइसोबार्स, समभारिक। नेक्स्ट है, द कंजनाइटल एब्सेंस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स ऑफ द कोलोन एंड रेक्टम इज कॉल्ड एज।
तो ये क्या कहलाती है, हिस्ट्रिंग्स डिसीज, और मेगाकोलोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एक जो कंजनाइटल डिसीज है, पैरासिम्पेथेटिक गैंग्लियोनिक नर्व सेल्स होती हैं इनमें डिसीज होती है, जो कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलोन, तो डिसीज क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हिस्ट्रिंग्स डिसीज, और इसको मेगाकोलोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द स्कूल हेल्थ कमेटी ऑफ इंडिया द मिनिमम लैंड एरिया फॉर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन इज, तो जो स्कूल हेल्थ कमेटी है इंडिया में अकॉर्डिंग टू उसके जो मिनिमम लैंड एरिया कितना होना चाहिए, न्यूनतम एरिया कितना होना चाहिए एक स्कूल की भूमि के लिए, तो वो होना चाहिए 10 एकड़, 10 एकर्स। नेक्स्ट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNCs कॉल्ड, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज द प्रोपोर्शन ऑफ क्लिनिकल केसेस रिजल्टिंग इन सीवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज नोन एज, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, व्यूरुलेंस, ये पैथोलॉजी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज विच इज द प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 40-60% ऑफ टोटल प्लाज्मा, तो कौन सा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो 40-60% टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का होता है, वो होता है एल्ब्यूमिन, ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इज इफ ADOPT इज कोडेड एट GDRWS देन हाउ इज डेटेड कोड इन दैट लैंग्वेज, यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए। तो मैं यहाँ पे आपको मेनली नर्सिंग के ही क्वेश्चन बस बता रही हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट इज विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो वो था एड्रिनल मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द ओटाइटस एक्सटर्ना, ओटाइटस एक्सटर्ना को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहलाता है टेम्पोरल बोन ऑस्टियोमायलाइटिस। नेक्स्ट इज वट इज़ द अदर नेम फॉर पैंक्रियाटियोड्यूडेक्टेनोक्टोमी, तो ये विपल्स प्रोसीजर, इसको मैं अब जो फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था RRB की आंसर की डाली थी मेमोरी बेस्ड, उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ कि इसको विपल्स प्रोसीजर है जो पैंक्रियास का जो हेड होता है और ड्यूडेनम का आधा पार्ट है जो कट किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, तो इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस का हिस्सा नहीं है, वो ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों हिस्सा हैं ग्रीन हाउस गैस का, बट ऑक्सीजन नहीं है, सो इज द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मसल इंजरी कॉज टॉर्टिकोलिस ड्यूरिंग द डिलीवरी, कौन सी मसल है जो डिलीवरी के टाइम पर टॉर्टिकोलिस की कंडीशन क्रिएट करती है, जो स्टिफनेस हो जाती है नेक में, तो वो होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के द्वारा डिलीवरी के टाइम पे जो मांसपेशियों में मसल्स में जो टॉर्टिकोलिस की कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट इज द एंटीजन दैट फॉर्म्स लूज एंड कॉटन वूली क्लम्प्स ड्यूरिंग द ऑग्लूटिनेशन इज, तो किस टाइप के एंटीजन है, वो है H एंटीजन, आंसर इज B। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट फेज इन वुंड हीलिंग, तो वुंड हीलिंग की फर्स्ट फेज क्या है, वो हीमोस्टेसिस फेज। नेक्स्ट इज ओकाई डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो ओकाई डैम कहाँ पर स्थित है, यह गुजरात में। नेक्स्ट इज विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में इन्फ्लामेशन होने को क्या कहा जाता है, वो कंडीशन कहलाती है पेरिटोनाइटिस। मैं ये आंसर किया आपके लिए बस इसलिए पब्लिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में नहीं आया, देखिए वही सेम क्वेश्चन है जो आए हुए थे, मैं बस आपको इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो बस बताने चाहती हूँ कि देख लीजिए वो सभी क्वेश्चन है, मैंने कोई भी फर्जी टाइप के क्वेश्चन पब्लिश नहीं किए हुए थे कि ये आए हैं या नहीं आए हैं। नेक्स्ट इज विच प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द देयर फंक्शन, कौन से प्रोटीन जो उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, तो वो है प्रोटेक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पोजीशन कॉल्ड दैट पेशेंट सिट्स एट द साइड ऑफ द बेड विद द हेड रेस्टिंग ऑन द ओवरहेड टेबल ऑन टॉप सेवरल पिलोज, तो ये किस टाइप की पोजीशन है, ट्राइपॉड पोजीशन। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज कॉल्ड, तो ये कंडीशन कहलाती है सैम्पलिंग, ये रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या का सबसेट चुनने की प्रक्रिया प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द भोर कमेटी एम दैट हैविंग अ हेल्थ सेंटर टू सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ दैट,
तो भोर कमेटी है उसके हिसाब से जो एक पीएचसी है पॉपुलेशन सॉरी अकॉर्डिंग टू द भोर कमेटी, तो भोर कमेटी के हिसाब से एक जो हेल्थ सेंटर है वो कितने लोगों के बीच में होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10,000 to 20,000, 10,000 से 20,000 पॉपुलेशन के बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, हेल्थ सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट इज द शारदा एक्ट वाज पास्ड इन, तो शारदा एक्ट कब पास किया गया था, हुआ था 1929 में, आंसर आएगा यहाँ पे 1929। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस, सूक्ष्म जीव जिस जगह पर फल फूल सकते हैं प्रजनन कर सकते हैं वो कहाँ, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 34, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ, भारत सरकार के सभी शासनात्मक कार्य औपचारिक तौर पर किसकी ओर से संपन्न होते हैं, तो ये सभी काम किसकी ओर से संपन्न होते हैं, द प्रेसिडेंट, जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा ये सभी काम संपन्न होते हैं। नेक्स्ट इज अयान जेम्स थॉर्पे इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स, तो एक स्विमिंग से रिलेट करते हुए अयान जेम्स थॉर्प हैं जो स्विमिंग है, स्विमर हैं, तैराक हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द क्रूड डेथ रेट इज, तो क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो वो है नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000, ये इसका क्रूड डेथ रेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है साइको एनालिसिस वाज फाउंड बाय, तो साइको एनालिसिस थ्योरी है इसकी स्थापना किसने की थी, फ्रॉइड ने, सिगमंड फ्रॉइड ने, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द फॉर्मल प्रोसेस फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथीसिस, तो हाइपोथीसिस की टेस्टिंग के लिए कौन सी प्रोसेस है जो नंबर वाइज जो स्टेप बाई स्टेप है, तो वो स्टेट फॉर्मुलेट एनालाइज एंड इंटरप्रेट, कथन सूत्रीकरण विश्लेषण और व्याख्या, ये एक जो हाइपोथीसिस है उसको टेस्टिंग करने की फॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41, न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज, तो न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग्स को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये कहलाती है एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट इज अप्लाइंग एन अनफेयर अमाउंट ऑफ प्रेशर टू सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द रिस्पॉन्स क्विकली इज कॉल्ड, तो क्या कहलाते हैं, प्रोसीजरल बायसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी ग्रेन्युलोमा फाउंड इन ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज, तो प्राइमरी ग्रेन्युलोमा है जो कब बनते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के टाइम पे, तो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं गॉन फोकस, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट बॉडी, जो न्यूनेट की बॉडी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, जो लंबाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्लासिकल साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, स्लीप एपनिया का क्लासिकल साइन क्या है, वो स्नोरिंग, खर्रांटे लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 46, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज गिवन बाय, तो एक जो फोकस दूरी है एफ वाले लेंस की शक्ति को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा, तो ये होगा पी इक्वल टू 1/f। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ इंक्वायरी इन द ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच इज, तो ग्राउंडेड सिद्धांत दृष्टिकोण में जांच का क्षेत्र क्या होता है, तो होता है सोशल स्ट्रक्चर प्रोसेस विद इन द सोशल सेटिंग, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, विच विटामिन डस कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये विटामिन के है जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट इज विच फेज इज मैक्सिमम मल्टीप्लीकेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया विथ रिड्यूस्ड जनरेशन टाइम, तो ये क्या कंडीशन क्या कहलाती है, कहलाती है लॉग फेज, लॉग फेज है जो मिनिमम मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बैक्टीरिया है जो कम होते हैं और इनकी जनरेशन टाइम भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, भूपेन हजारिका हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड 2019 इज फेमस विच ऑफ द फॉलोइंग, तो जो भूपेन हजारिका हैं जिन्हें 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, तो ये म्यूजिक के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, इनको 2019 में जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड वायरस इन बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में जो वायरस की खोज किसने की थी, तो वो की थी डिमिट्री लेवोनोव्स्की।
नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेन इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एंड दोज विथ क्रॉनिक पेन। निम्नलिखित में से कौन सी इफेक्टिव मेथड है जिसके द्वारा है जो पेन को कंट्रोल किया जाता है, अब पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कंट्रोल किया जाता है जो क्रॉनिक पेन होता है, तो वो है ट्रांसडर्मल रूट। यहाँ पे आंसर आएगा ए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द सर्विक्स आर पुल्ड अपवर्ड एंड मर्ज विद द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इट्स नोन एज, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, एफासमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, विच इज एन एपिलेप्टिक ड्रग, इनमें से एपिलेप्टिक मेडिसिन कौन सी है, तो वह फेनिटोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई, इट इज कॉल्ड एज, तो एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज है जिसमें सभी बॉडी के पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो कहलाता है फीटस, गर्भस्थ शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 59, वट इज द बाथ यूज्ड टू रिमूव द इरिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ स्किन डिसीज एंड प्रोवाइड सूथिंग इफेक्ट, तो ये किस टाइप की बात कहलाती है, कहलाती है ब्रान बाथ, जिससे जो भी स्किन इरिटेशन हो रहा हो और जो भी स्किन डिसीज हो उनको प्रिवेंट करने के लिए कब यूज़ की जाती है, कहलाती है ब्रेन बाथ। सिट्स बाथ है, जनरली फीवर होता है पेशेंट में तो उनका टेम्परेचर कम करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट इज विच आर द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व का मेन फंक्शन क्या है, तो वो स्वालोइंग और स्पीच। नेक्स्ट इज विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनलिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड सोशली अनएक्सेप्टेबल ड्राइव और अर्ग इन टू अ फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, इट्स कॉल्ड एज, तो ये एक तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या कहलाती है, सबलिमेशन। नेक्स्ट इज विच कॉर्टिकल एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पीच, तो कौन सा एरिया है जो स्पीच को फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्टिकल में, तो वो ब्रोका एरिया, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द मदर ड्यूरिंग द लेबर, जो लेबर के टाइम पे जो एक मदर है उसको जो भी एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो उसमें उसको एक रिफ्लेक्स फील होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फर्ग्यूनिस रिफ्लेक्स, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द अर्थमेटिक एवरेज विच इज ऑब्टेंड बाय समिंग ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, तो यहाँ पे मीन पूछा गया था, आंसर इज सी मीन। नेक्स्ट इज डाइसल्फ्राम इज अ ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ, तो डाइसल्फ्राम है किसके लिए यूज की जाने वाली ड्रग है, तो ये अल्कोहलिज्म में यूज होती है, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज पल्स डेफिसिट, तो पल्स डेफिसिट क्या है, डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडिकल रेडियल पल्स रेट, तो जो डिफरेंस होता है एपिकल और रेडियल पल्स रेट का, तो वो कंडीशन कहलाती है पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस रिलीज्ड ड्यूरिंग इन्फ्लामेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड, तो जो कौन सा सब्सटेंस रिलीज होता है कब, जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हो तो उस टाइम पे जो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो सब्सटेंस रिलीज होता है कीमो रिसेप्टर रिलीज होता है, तो वो कौन सा है, तो वो सीरोटोनिन, यहाँ पे आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इज हु वेयर द अर्ली पायोनियर्स ऑफ ह्यूमनाइजेशन, तो टीकाकरण के शुरुआती अग्रदूत कौन थे, तो वो थे चाइनीज, चीन निवासी, आंसर इज डी। नेक्स्ट इज विच प्रोसीजर यूज्ड टू एलिमिनेट कैलकुलाई फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी टाइप के स्टोन होते हैं, कैलकुलाई होते हैं, तो वो किस प्रोसीजर के थ्रू अलग किए जाते हैं, तो वो थे लिथोट्रिप्सी, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेट डीप एंड फर्म स्ट्रोकिंग टाइप ऑफ बैक मसाज इज कॉल्ड, तो एफ्लूरेज, एफ्लूरेज कहलाती है इस टाइप की मसाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेलर टू कंसीव आफ्टर वन ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स इट्स कॉल्ड, तो क्या कंडीशन कहलाती है, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज, तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, वो ऑक्सीटोसिन, मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा, बट इजेक्ट किसके द्वारा होता है, सॉरी मिल्क प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है, प्रोलैक्टिन, और इजेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन के द्वारा, तो यहाँ पे आंसर आएगा सी। वट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इज आइडेंटिफाइड इन ECG ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्चीमिया, तो मायोकार्डियल इस्चीमिया के टाइम पे जो ECG किस टाइप की फाइंडिंग शो करती है, तो वो करती है इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज एन एक्वायर्ड ग्लोअर इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट मेमोरी एंड पर्सनालिटी बट विदाउट इम्पेयरमेंटल ऑफ कॉन्सियसनेस। तो जो ग्लोबल इम्पेयरमेंट किस में होती है, इंटेलेक्ट में, मेमोरी में और पर्सनालिटी में, बट किसी भी इम्पेयरमेंट और अलग तरीके के किसी भी टाइप की इम्पेयरमेंट हो रही हो कॉन्सियसनेस में खासकर, तो वो कंडीशन क्या कहलाती, वो कहलाती डिमेंशिया। बट जो सीजोफेनिया है, डिलेरियम है, डिप्रेशन है, इनमें जो कॉन्सियसनेस भी डिस्टर्ब होती है, बट डिमेंशिया में जो कॉन्सियसनेस डिस्टर्ब नहीं होती। नेक्स्ट इज फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेस इज टर्मलेस, तो जो बंद जगह पर डर लगने को क्या कहा जाता है, वो कंडीशन कहलाती है क्लस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, वो है न्यूटन, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, तो क्या कहलाते हैं, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई सेल हैव इट, मीन्स ये स्लोगन है जो किसने दिया था, नारा किसने दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, ये फेमस स्लोगन है, याद रखिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज मेटल प्रोड्यूस्ड रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी, कौन से मेटल हैं जो एक तरीके के रिंगिंग साउंड प्रेजेंट शो करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं सोनोरस, अनुनादी। नेक्स्ट इज द कंडीशन इन विच फॉल्स बिलीफ्स आर फर्मली मेंटेन्ड इन इवन थ्रो दे आर नॉट शेयर्ड बाय अदर्स इज कॉल्ड, तो कंडीशन कहलाती है डिल्यूजन, भ्रांति। नेक्स्ट इज वोरेस बोरेहेफ सिंड्रोम मींस, तो ये किस टाइप का सिंड्रोम है, रप्चर ऑफ द ईसोफेगस, तो ईसोफेगस से उसमें कोई भी रप्चर्स हो जाए, टीयर्स हो जाए, तो कहलाते हैं वोरेहेफ सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉल आयंस यूजिंग अ सेलोफेन एंड कोलोइडियन, तो एक कंडीशन क्या कहलाती है, डायलिसिस। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट इज द मॉन्टोगमरी ग्लैंड सिचुएटेड, तो नियर द बेस ऑफ द निपल्स, नियर द बेस ऑफ द निपल्स में जो मॉन्टोगमरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती हैं, ये जनरली जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं मॉन्टोगमरी ग्लैंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रिकॉशनरी स्टेप टू बी टेकन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग एन एंटी सेरम और एंटी टॉक्सिन, तो यहाँ पे सबसे पहले सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करवा लेना चाहिए कोई भी एंटी सीरम हो या एंटी टॉक्सिन एडमिनिस्टर करने के पहले, तो यहाँ पे आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग वॉज क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज, बड़े शहरों के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था, तो हुआ था म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम का, नगर पालिका है जो छोटे शहरों में होती है, बट जो नगर निगम है वो बड़े शहरों में होती हैं। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो ये करती है मेलेटोनिन, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट टू डिसिफर द ट्यूबरकुलिन टेस्ट रिजल्ट, तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट करने के बाद कितने समय तक वेट करना चाहिए उसके सही रिजल्ट का, तो वो होता है 48 to 72 hours, जो PPD इंसर्ट करते हैं उसके बाद है जो कितना वेट करते हैं ट्यूबरक्लोन माउंटेक्स टेस्ट में, तो करते हैं 48 to 72 hours तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, विच इज़ द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी, सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी में जो सबसे बड़ी मेम्ब्रेन क्या है, तो वो है पेरिटोनियम, करेक्ट आंसर इज ए पेरिटोनियम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, कौन सा एलिमेंट है वो, हाइड्रोजन, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट इज द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंस, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो 2 arteries और 1 vein होती हैं, जो आर्टरीज हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं, बट जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती हैं फीटस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, तो इन सिस्टिक फाइब्रोसिस का कौन सा मोड है और कॉज जिसके कारण होता है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट इज नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स, तो नर्व टिश्यू हैं वो किसके बने होते हैं जो इम्पल्स रिसीव करते हैं और जो भी मैसेज है उनको शो करते हैं, तो है न्यूरॉन्स, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयवाड़ा सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, विजयवाड़ा सिटी किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो बसा है कृष्णा नदी के किनारे।
नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग की पॉइंट इज नॉट फिलोसोफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा पॉइंट है जो फिलोसफीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं है, तो रिवार्ड्स एंड चैलेंजेस. नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन का कंपोनेंट क्या है, तो स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम. नेक्स्ट इज एनीथिंग विच इवोक्स अ रिस्पॉन्स इन द ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड, तो क्या कहलाते हैं, कोई भी चीज़ जो 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 भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक तरीके की प्रतिक्रिया पैदा करती है, इवोक करती है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है स्टिमुलस. नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज रिफर्ड टू एज परफेक्शन प्रिंसिपल, पूर्णता का सिद्धांत किसको कहा जाता है, तो वो होता है सुपर ईगो. सो गाइस ये स्टाफ नर्स का 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपको बता दिया है. ये क्वेश्चन इसमें जो आए हैं वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पेपर आया था, अकॉर्डिंग टू मी जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है, तो आप लोग रेडी रहिए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड करवा सकूँ.